सर्वाइवल मूवीज जो आपके दिलों की धड़कनों को तेज कर दे, सर्वाइवल मूवीज जो कि आपके सांसें रोक दे। और आज के इस काउंटडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही खतरनाक सर्वाइवल मूवीज के बारे में, जिसमें इंसान जी जान लगा देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। नंबर 5, कॉन्टिकी मूवी बेस्ड है सर्वाइवल एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है थॉर नाम के एक ऐसे इंसान से जो कि पैसिफिक ओशियन में जाकर एक वीडियो बनाना चाहता है और वहां के अनोखे दृश्य को लोगों के सामने लाना चाहता है, लेकिन ये काम करते वक्त वो और उनकी पूरी टीम समुद्र के बीचों बीच फंस जाती है और लास्ट तक वहां से वो किस तरह सरवाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। नंबर 4, अंडर वाटर मूवी बेस्ड है हॉरर साइंस फिक्शन एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टार्टिंग होती है नोरा नाम के एक लड़की से जो कि समुद्र के नीचे अपनी टीम के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, लेकिन अचानक से ही उनके ऊपर कुछ अजीबोगरीब क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और नोरा और उसकी पूरी टीम उस क्रिएचर से अपने आप को किस तरह बचाती है, इवन अंडर वाटर से वो अपने आप को किस तरह सरवाइव करके बाहर लाती है, यही सारी चीजें दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.9। नंबर 3, द सैलोस मूवी बेस्ड है हॉरर थ्रिलर एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है नैन्सी नाम की एक लड़की से जो कि एडवेंचर बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। इसी बीच वो समुद्र में सर्फिंग करने के लिए जाती है, लेकिन सर्फिंग करते वक्त अचानक से ही उसका सामना एक खतरनाक शार्क से होता है और वो अपने आप को उस शार्क के हाथ से किस तरह सरवाइव करती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिप पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.3। नंबर 2, द डाइव मूवी बेस्ड है मिस्ट्री सर्वाइवल एंड एडवेंचर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है दो बहनों से जो कि एडवेंचर बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसी बीच उनका सबसे बड़ा पैशन रहता है समुद्र में गोता लगाना। वो एक दिन समुद्र में गोता तो लगाते हैं, लेकिन चट्टान के खिसक जाने की वजह से ड्रू पानी के अंदर ही फंस जाती है और मे किसी भी तरह से ड्रू को बचाना चाहती है और लास्ट तक मे ड्रू को बचाने में कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे मूवी में। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Apple TV+ पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। और नंबर 1 पर हम बात करेंगे द इम्पॉसिबल मूवी बेस्ड है नेचुरल डिजास्टर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की शुरुआत होती है हेनरी से जो कि अपने परिवार को लेकर थाईलैंड घूमने जाता है, लेकिन अचानक से ही एक खतरनाक सुनामी की वजह से उसका परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है कि लास्ट तक हेनरी अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, इवन उसका परिवार फिर से मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। मूवी चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये काउंटडाउन आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।